ठीक है, देख जैसे ना हम अभी 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 हम चैप्टर 6 पढ़ के आए हैं, है ना। और चैप्टर 6 में हमने क्या पढ़ा था, डेरिवेटिव, यानी जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो उस डेरिवेशन का ना, डेरिवेटिव का एक जस्ट उल्टा है, एक अपोजिट चीज़ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो डेरिवेशन का एकदम उल्टा चीज़ है इंटीग्रेशन। तो डेरिवेटिव का एकदम उल्टा चीज़ अगर इंटीग्रेशन है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि इंटीग्रल्स इज द इंटीग्रल्स इज द एंटी डेरिवेटिव। जो इंटीग्रल्स होता है वो एंटी डेरिवेटिव होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, इससे पहले हमने ना, जैसे हमारे पास क्लास 12th की मैथ्स है, तो क्लास 12th की मैथ्स में ना बहुत सारे चैप्टर हैं, और उनमें से मैथ्स में एक पार्ट है कैलकुलस। और उस कैलकुलस में क्या होता है कि कैलकुलस में लगभग लगभग मान के चलो कि आप लगभग लगभग 40 से 45 नंबर का जो पार्ट है वो, अगर आपका जैसे लास्ट टाइम तो मैथ्स का एग्ज़ाम पूरे 80 मार्क्स का आता था, तो उसमें लगभग लगभग 40 मार्क्स का कैलकुलस आता था भाई, पूरा का पूरा लगभग लगभग। तो उसमें आपका जैसे मैथ्स का चैप्टर 1st, चैप्टर 2nd और चैप्टर 5, चैप्टर 6 और ये चैप्टर 7, चैप्टर 8, है ना, ये जो सारे के सारे चैप्टर गिनाए मैंने, 6 चैप्टर, ये सारे के सारे कैलकुलस में आते हैं। अब इन सब का ना एक दूसरे के साथ लिंक है। अगर आपको डेरिवेशन आता है तो आपको आसानी से आप इंटीग्रेशन कर लोगे, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या है, उस पर आ रहे हैं। मैंने क्यों बोला बेटा, क्या डेरिवेशन का एकदम जस्ट उल्टा इंटीग्रेशन है। जैसे बेटा, जैसे आपको मैं एक सिंपल सा पहले एग्जाम्पल देता हूँ, सबसे छोटा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे कि एक व्यक्ति के पास एक छोटा सा प्लॉट था, ये प्लॉट है, है ना, और उसने ये प्लॉट खरीदा और इस प्लॉट में उसने मकान बनाया, 2 मंजिला मकान बनाया उसने इसमें। फिर जाके वो जब वो 2 मंजिला मकान बनाता है तो इस 2 मंजिला मकान को अपने बेटों को देता है। आदमी ने प्लॉट खरीदा, उसने इसमें 2 मंजिला मकान बनाया, वो इस 2 मंजिला मकान को अपने बेटे के नाम करता है, ठीक है। उसके बेटे का नाम मान लो सक्षम है, मान के चलो, तो ये प्लॉट उसके बेटे के नाम हो गया। फिर वो आदमी क्या करता है, इस प्लॉट को उस आदमी ने अपने बेटे का नाम किया, ये उसके बेटे के पास आ गया। फिर उसका बेटा मान लो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता और उस पर इतना मान लो वो गलत संगति में पड़ गया और उसको अपना मकान बेचना पड़ता है और तोड़ना पड़ता है। दोबारा उसने इस मकान को तोड़कर प्लॉट बना दिया, तो प्लॉट से मकान, फिर मकान से दोबारा प्लॉट बन गया। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस है, कहीं ना कहीं डेरिव इंटीग्रेशन में भी ऐसा ही होता है कि जैसे एक नंबर है 1, ये मैं x लेता हूँ। अगर आप x का डेरिवेशन करोगे, अगर आप x का डेरिवेशन करते हो तो क्या आता है, x का डेरिवेशन क्या आता है, 1 आता है। अब हमें मान लो दोबारा x चाहिए, x का डेरिवेशन क्या कितना आया, 1 आया। अब हमें कुछ ऐसा काम करना है, ऐसा जुगाड़ बैठाना है कि दोबारा क्या आ जाए, मतलब 1 को दोबारा क्या बनाना है, x बनाना है। तो 1 को दोबारा x बनाने के लिए जो हम तैयारी करते हैं, ये जो हम मैथमेटिकल टूल यूज करते हैं, उसी को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। यानी 1 को अगर दोबारा हमें x बनाना है, x का डेरिवेशन 1 आया,
वन को दोबारा अगर हमें क्या बनाना है, एक्स बनाना है, तो वन को दोबारा एक्स बनाने के लिए जो भी हमने प्रोसेस किया उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो डेरिवेशन में ऐसे कुछ लिखते थे, तो इंटीग्रेशन में कुछ ऐसा है टेढ़ा इस टाइप का, ये सांप जिसको बोल सकते हैं, ये साइन होता है इंटीग्रेशन का, और पीछे लगाते हैं dx यानी विद रिस्पेक्ट ऑफ x, ये साइन होता है। जैसे वन का डेरिवेशन कर, यानी वन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। x का डेरिवेशन वन आया, अब हमें मान लो दोबारा x चाहिए था, तो अगर दोबारा हमें x चाहिए तो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। x का डेरिवेशन वन और वन का इंटीग्रेशन क्या आ गया, दोबारा x आ गया, तो दोबारा वही आ गया जिससे मैंने एग्जांपल दिया था ना, कि आदमी वाला एग्जांपल दिया मैंने सामने, कि आदमी के पास मकान था, प्लॉट था, प्लॉट से उसने मकान बनाया, फिर उसके बच्चे के पास आया, सक्षम के पास, सक्षम द्वारा प्लॉट बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन मौका बेटा। अब ऐसे ना हमारे पास क्या है, कुछ इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन हमारे पास कई टाइप्स के हैं, पर बेसिकली हमने क्या किया इंटीग्रेशन को, बेसिकली हमने इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है हमारे पास, है ना। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल्स, और दूसरा होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। देखो हमारी जो शुरुआत की एक्सरसाइज है, जो स्टार्टिंग की एक्सरसाइज है, उसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में, और जो बाद की एक्सरसाइज है ना, जो शुरुआत की एक्सरसाइज है कुछ, उसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में, और जो बाद की एक्सरसाइज है उसमें पढ़ेंगे हम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में। अब सर डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या है, है ना, और इसमें क्या क्या फॉर्मूले यूज होंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो फिलहाल इंटीग्रेशन के लिए, अच्छा इंटीग्रल्स और इंटीग्रेशन क्या है, देखो डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रल्स है, और जो पूरा मतलब जैसे वन को, वन का जैसे मैंने कहा ना, वन का जो इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रल और इंटीग्रेशन में क्या है, जैसे एक होता है डेरिवेटिव, एक होता है डेरिवेटिव, एक होता है डिफरेंशिएशन। तो वन का एक्स का मैंने डेरिवेटिव किया तो वन आया, वन का मैंने इंटीग्रेशन किया दोबारा एक्स आ गया। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ बेटा कि ये इंटीग्रल है, अभी जो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, जो पूरा प्रोसेस चल रहा हमारा पूरा प्रोसेस है, जैसे मैंने कहा कि डिफरेंशिएशन, एक बोला डेरिवेटिव, जैसे हमने कहा कि सर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सर आपने कहा एक्स का डेरिवेटिव वन होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा प्रोसेस है कि एक्स को आप वन वन में चेंज कर रहे हो, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। जिस प्रकार डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होता है, तो इंटीग्रेशन भी एक प्रोसेस है, मतलब इंटीग्रल्स और इंटीग्रेशन में नाम का फर्क है, चीज़ें एक ही है, शॉर्ट फॉर्म में इंटीग्रल और पूरा प्रोसेस इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है। तो इंटीग्रेशन को हम सीधा एक प्रोसेस बोल सकते हैं, एक प्रक्रिया है, यानी इंटीग्रेशन एक प्रक्रिया है एंटी डेरिवेटिव की, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ना कुछ थोड़ा बेसिक फॉर्मूले हैं, तो उनकी बात करते हैं। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले क्या हैं इसमें, उनकी बात करते हैं वन बाय वन। देखो बेटा, जैसे हमारे पास है नंबर वन, पहला कि अगर हम, है ना, चलो मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ ना, ऐसे यहाँ लिख देता हूँ मैं इतने पार्ट में,
जैसे हमें पता है कि हम पहले अगर जब पहले सबसे जो डेरिवेशन का जो सबसे छोटा रूल था कि जब एक्स ई पावर एन का डेरिवेशन होता था, एक्स ई पावर एन का डेरिवेशन तो क्या होता था बेटा, है ना, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। अगर हमें एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करना है, ये साइन होता है इंटीग्रेशन का और ये होता है डीएक्स। अगर एक्स की पावर एन का हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन एक्स पावर में एक जोड़ दूँ एन प्लस वन और नीचे भी एन प्लस वन, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करना है, पावर में एक ऐड कर दो और उसी पावर का नीचे लिख दो प्लस में सी, ठीक है सर। सर ये सी क्या है? सी एक कांस्टेंट होता है, इसका क्या रोल है इसको अभी बताऊंगा मैं। ये सी मतलब एक कांस्टेंट टर्म है सर, क्यों आएंगे उसके ऊपर बात करेंगे, हम बात इसलिए करेंगे अभी आएंगे उसमें जरा, है ना। अभी जब मैं सी का मतलब क्या है, सी क्यों लिखा जाता है बार बार, जब मैं कुछ दो चार बेसिक फॉर्मूले बताऊंगा उसके बाद मैं उसी के बारे में बात करूंगा, ठीक है। देखो बेटा बात करें, जैसे इसके बाद जब हम वन का डेरिवेशन करते थे तो बेटा वन का डेरिवेशन क्या आता था, वन का डेरिवेशन क्या आएगा, नहीं जीरो आता था, जो ठीक है यहाँ जीरो आता था, ठीक है अच्छा। पर अगर हम एक्स का डेरिवेशन करते थे क्या आता था, एक्स का डेरिवेशन वन आता था, वन। पर अगर अब इस वन का इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन तो क्या मिल जाएगा हमें, एक्स, और साथ में प्लस सी लगाएंगे, ठीक है। दूसरी ओर अगर हम क्या करें सेम ऐसे ही, जैसे हमारे पास मान लो कोई नंबर है, मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्टेंट। देखो जब भी हम किसी कॉन्स्टेंट नंबर का कॉन्स्टेंट, मतलब जब पाँच हो गया, चार हो गया, तीन, किसी भी कॉन्स्टेंट का डेरिवेशन करते थे, किसी भी कॉन्स्टेंट का डेरिवेशन क्या आता था जीरो। पर अगर हम यहाँ पर किसी भी कॉन्स्टेंट का सिर्फ कॉन्स्टेंट आ रहा है वहाँ पर, ठीक है जी, अगर हम किसी भी कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो जो कॉन्स्टेंट है ना, कॉन्स्टेंट के साथ क्या लगा देंगे, एक्स लगा देंगे बस। जैसे मैं बताता हूँ, अगर पाँच का अगर इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो पाँच के पीछे क्या लगा दो, एक्स, पाँच एक्स, है ना बस। या जैसे तुम्हें 100 का इंटीग्रेशन करना है, 100 का 100 का तो क्या लगा दो, 100x और प्लस में सी लगा देंगे, ठीक है ना। अच्छा देखो बेटा, इसके अलावा बात करें, अगर हम बात करें जैसे ये कुछ बेसिक फॉर्मूले उस पर आ रहा हूँ मैं, जब हम e की पावर x का डेरिवेशन करते थे, e की पावर x का डेरिवेशन तो क्या आता था, e की पावर x आता था। अब अगर हम e की पावर x का इंटीग्रेशन करें, तो e की पावर x ही आएगा और प्लस में क्या आएगा, सी। अगर हम लॉग एक्स का डेरिवेशन करते थे क्या आता था, वन अपॉन में एक्स आता था। पर अगर वन अपॉन एक्स का क्या करें, इंटीग्रेशन करें, तो क्या आ जाएगा, लॉग एक्स आ जाएगा और प्लस में क्या आएगा, सी। लॉग एक्स का डेरिवेशन 1/x, अब अगर 1/x का इंटीग्रेशन करें तो दोबारा लॉग एक्स बन जाएगा, क्योंकि मैंने कहा बेटा जो इंटीग्रेशन होता है वो डेरिवेशन का उल्टा होता है। लॉग एक्स का डेरिवेशन ये
और अगर इसका इंटीग्रेशन करें दोबारा लॉग एक्स मिल जाएगा, ठीक है। जैसे बेटा इसके अलावा मैंने कहा, मान के चलो कि अगर हम बात करें लॉग एक्स के बाद हमारे पास एक होता था ए की पावर एक्स, अगर हम ए की पावर एक्स का डेरिवेशन करते थे, ए की पावर एक्स का हम डेरिवेशन करते थे, क्या मिलता था? ए एक्स लॉग ए, ठीक है, ये मिलता था। जैसे मैंने यहाँ इसका डेरिवेशन किया, अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन किया मैंने तो मुझे यही मिल गया। अब हालांकि मैं इसके इसको नहीं ले रहा, मैं अगर इसी का अगर मैंने इसका डेरिवेशन किया तो ये आया। अब अगर मैं इसी पार्ट का, जैसे कहीं पर अगर हमें ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो ध्यान दो क्या आएगा, ए की पावर एक्स। तो जैसे डेरिवेशन में ना ए की पावर एक्स आता था तो इंटीग्रेशन में भी ए की पावर एक्स आ रहा है, पर डेरिवेशन में लॉग ए मल्टीप्लाई होता था तो इंटीग्रेशन में लॉग ए नीचे आता था, नीचे आएगा प्लस में सी। ठीक है, इसके बाद कुछ बात करते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ठीक है, तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जैसे जैसे साइन एक्स, अगर आप साइन एक्स का डेरिवेशन करते थे तो क्या आता था? कॉस एक्स। पर अगर आप इसी कॉस एक्स का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स वापस मिल जाएगा और पीछे क्या लगाएंगे? सी। दूसरी ओर जब आप कॉस एक्स का डेरिवेशन करते थे, कॉस एक्स का डेरिवेशन, तो क्या आता था? माइनस का साइन एक्स। पर अब ना साइन एक्स का डेरिवेशन किया, कॉस एक्स का आया, अगर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स मिल जाएगा, अगर कॉस एक्स का डेरिवेशन करोगे तो माइनस साइन एक्स आया। और अगर अब मैं यहाँ माइनस नहीं ले रहा, मैं सिर्फ ओनली साइन लेके चल रहा हूँ, तो अगर हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन करें तो आएगा तो कॉस एक्स, आएगा तो कॉस एक्स प्लस सी, पर क्योंकि आगे क्या है, यहाँ पर माइनस था, यहाँ क्या लगा देंगे? माइनस। यहाँ बात करें अगर हम आगे अगर आगे बात करें किस सक स्क्वायर एक्स, ठीक है जी, नहीं साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। अब देखो अगर हम बात करें, ठीक है जी, टेन एक्स, देखो टेन एक्स का जब हम डेरिवेशन करते थे, डेरिवेशन टेन एक्स का डेरिवेशन, तो क्या आता था? सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का डेरिवेशन सेक स्क्वायर एक्स आता था। अब अगर हम सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करें तो दोबारा क्या मिल जाएगा? टेन एक्स प्लस में सी। अगर हम sec x का डेरिवेशन करते थे तो क्या आता था? tan x sec x। पर अगर हम इसी tan x sec x का क्या करते हैं? इंटीग्रेशन, तो हमें वापस क्या मिल जाएगा? sec x मिल जाएगा, sec x प्लस में c। अगर हम किसका, अगर हम cot x का डेरिवेशन करते थे तो क्या आता था? माइनस का cos x स्क्वायर x। अब अगर मैं माइनस नहीं ले रहा, अगर मैं cos x स्क्वायर x का डेरिवेशन करूँगा, डेरिवेशन, तो क्या मिल जाएगा? cot x मिलेगा प्लस c, पर क्योंकि मैंने माइनस नहीं लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस। देख भाई कॉट तो हो गया, कॉट के बाद कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का डेरिवेशन क्या आता था? कॉसेक एक्स का डेरिवेशन क्या आता था? है ना, कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स।
ये आता था। अब अगर मैं इसी किसी कॉसेक एक्स कॉट एक्स का क्या करूं, डेरिवेशन करूं, तो आएगा तो माइनस, सॉरी इंटीग्रेशन करूं, आएगा तो माइनस, पर यही क्या कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, ये देख रहे हो तुम। देख बेटा, इसके अलावा सेम ऐसे ही चलता रहेगा, सेम चलता रहेगा, सेम चलता रहेगा, सेम चलता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आगे बात करूं, तुम एक चीज देख रहे हो, साइन एक्स कॉस एक्स का भी इंटीग्रेशन आ गया, साइन एक्स का भी इंटीग्रेशन आ गया, टेन एक्स का इंटीग्रेशन लिखा, टेन एक्स का इंटीग्रेशन है यहां पर कहीं नहीं है, sec x का मैंने इंटीग्रेशन लिखा, sec x का इंटीग्रेशन, cosec x का इंटीग्रेशन, cot x का इंटीग्रेशन, तो sin और cos को छोड़कर जो बाकी tan cot और tan cot sec cosec बचे, इन जो चारों का इंटीग्रेशन है ना, इनका इंटीग्रेशन हम सीखेंगे एक्सरसाइज 7.2 से पहले, क्योंकि इनका इंटीग्रेशन के लिए हमें एक मेथड सीखना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसलिए अभी जो 7.1 है मैं लिखने का लिख दूँ सीधा, मैं लिखने के लिए सीधा लिख दूँ, है ना, लिख दूँ भाई, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हमें क्या, मैं लिख देता हूँ, है ना, यहाँ स्पेस नहीं है, बाकी उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम, डिटेल में पढ़ेंगे हम कब, 7.2 पढ़ेंगे ना, लिखने में क्या जा रहा है, लिख देते, है ना, जैसे यहाँ पर किसका है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ किसका, टेन एक्स का, तो जो टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ना, टेन एक्स का जो हमारे पास होता है टेन एक्स का, तो इसके दो होते हैं, एक माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, एक होता है और लॉग सेक एक्स प्लस सी, एक ही होता है। ये कैसे आया, इसका हम डेरिवेशन करेंगे एक्सरसाइज 7.2 से पहले। देखो टेन एक्स के बाद हमारे पास एक होता है कॉट एक्स, अगर कॉट एक्स का करोगे तो इसका आ जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस सी, अगर हम सेक एक्स का करें इसका होता है लॉग टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी, और अगर हम कॉसेक एक्स का करें, कॉसेक एक्स का करें इसका होगा लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस में सी। ठीक है, ये तो देखो ये मेन बेसिक है इनका, तो सर ये sec स्क्वायर x का एग्जाम में अगर आएगा ना, तो एग्जाम में तो पहले पूछेगा नहीं कि sec स्क्वायर x का डेरिवेशन इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लिख दोगे, पर इनका आ सकता है 203 मार्क्स का कि बताओ tan x का जो इंटीग्रेशन है वो, ये प्रूफ हमें लाना है, प्रूफ करके दिखाना है, तो उसमें ये सवाल 2-3 मार्क्स का आएगा, तो क्यों एक नंबर का नहीं आएगा, इसको हमें दिखाना पड़ेगा ड्राइव करके, वो हम एक्सरसाइज 7.2 से पहले सीखेंगे। ठीक है, अच्छा आगे बात करें, अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे 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 हमारे पास जब हम tan inverse x का डेरिवेशन करते थे तो हमारे पास आता था 1/(1+x²). अब अगर हम 1/(1+x²) क्या करें, इंटीग्रेशन, तो क्या मिल जाएगा, टेन वर्स एक्स मिल जाएगा प्लस में सी। दूसरी ओर अगर हम जब कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेशन करते थे तो क्या आता था, माइनस 1/(1+x²). अब अगर हम 1/(1+x²) का इंटीग्रेशन करें, है ना, तो आएगा वही
कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी पर आगे माइनस था इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। देखो कुछ लिख देता हूं मैं आपको, जैसे साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेशन क्या आता था, वन अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरी ओर अगर हम इसका वन अपॉन में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें, दोबारा क्या मिल जाएगा हमें, साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी। दूसरी ओर अगर हम क्या करें, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेशन करें तो क्या मिलता था, कॉस इनवर्स एक्स का ना माइनस वन अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। अब अगर इसी का, अगर हम इसी का क्या करें, डेरिवेशन करें तो हमें ये इंटीग्रेशन करें सॉरी, तो क्या मिलेगा, क्यों माइनस है तो माइनस आएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस में सी। दूसरी ओर अगर हम क्या करें, अगर हम sec इनवर्स एक्स का डेरिवेशन कर देते क्या आता था, वन अपॉन में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब अगर वन अपॉन में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का क्या करें, इंटीग्रेशन करें तो क्या मिल जाएगा, sec इनवर्स एक्स प्लस में सी। दूसरी ओर अगर क्या क्या करें हम, अगर हम कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेशन करें तो क्या आता था, माइनस वन अपॉन में एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन। अगर इसी का इंटीग्रेशन करें है ना, यहाँ माइनस नहीं लेना तो ये आ जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस में सी। ठीक है, ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं, इसके अलावा मेरे ख्याल से शायद कोई फार्मूला बचा नहीं है। आपके साइन एक्स कोसेक टेन एक्स सबके हो चुके हैं और फिलहाल बेसिक फार्मूले यही हैं। अब रही बात जो मैं बोल रहा था कि पीछे सी क्यों आता है, सी का लॉजिक क्या है, सी का लॉजिक है क्या, उस बात में देखो, जैसे ना देखो जैसे जैसे सिंपल से बात है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर जैसे ना, अगर मैं जैसे फाइव, जैसे मैंने कहा अगर मैं एक्स प्लस एट का डेरिवेशन करता हूँ, एक्स प्लस एट का डेरिवेशन करता हूँ तो एक्स का डेरिवेशन क्या आया, वन, और एट का डेरिवेशन क्या आएगा, जीरो है ना, एट का जीरो आया। ठीक है, अब अगर मैं इसका किसका, वन का, अगर मैं वन का है ना, अगर मैं वन का दोबारा से या जब मैं चले इसको ऐसे लेकर चलूँ, चलो इसको मैंने एक्स स्क्वायर लिया इसको मैंने है ना एक्स स्क्वायर लिया, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस एट का डेरिवेशन करता हूँ, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन क्या होगा, टू एक्स। ठीक है अब अगर मैं 2x का एक्स स्क्वायर प्लस एट का डेरिवेशन किया, 2x आया। अब अगर मैं 2x का इंटीग्रेशन करता हूँ तो देखो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 तो ऐसे ही आएगा, इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में एक ऐड हो जाता है, तो 1 में कितना जोड़ोगे, x पावर 1 है, 1 में जोड़ो 1 क्या जाएगा है ना 2, और अपॉन में कितना आएगा 2, तो हमें क्या मिल गया दोबारा, क्या मिला एक्स स्क्वायर, क्या मिला। तो मैंने क्या कहा, डेरिवेशन क्या 2x, तो डेरिवेशन करने के बाद जो आता है अगर हम उसका इंटीग्रेशन के लिए करें तो हमें दोबारा क्या मिलता है, वही नंबर मिल जाता है ना। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल ने दिया यहाँ पर कि एक्स का डेरिवेशन किया तो 1 आया, अब अगर मैंने 1 का इंटीग्रेशन किया तो दोबारा x आ गया। तो ऐसे ही जैसे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एट का डेरिवेशन किया
टू एक्स आया, तो अगर मैं टू एक्स का इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे दोबारा क्या मिलना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस आठ आना चाहिए ना। तो एक्स स्क्वायर तो आ रहा है पर आठ मिल रहा दोबारा, आठ तो आ ही नहीं रहा। तो इसीलिए हम मान के चलते कि इसके साथ कुछ कॉन्स्टेंट रहा होगा, इसीलिए पीछे क्या लगा देते हम सी, इसीलिए सबके पीछे हम सी लगा देते हैं। ठीक है भाई, तो ये तो थोड़ा ना इंटीग्रेशन का बेसिक था भाई। ठीक है, मतलब ये वो चीज़, अगर ये चीज़ अगर हमें पता नहीं है इंटीग्रेशन में तो फिर हमारा ना काम चल नहीं पाएगा। तो ये इंटीग्रेशन के जरूरी है बेसिक चीज़। ठीक है, तो भाई उम्मीद कर रहा हूँ तो समझ में आया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो फिर अब मिलेंगे अगली क्लास में।